हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैप्टर ऑफ एल डी एंड केटोन्स तो कल मैंने आपको मेकनिज़्म uh, uh, पढ़ाया था कि एडिशन रिएक्शन का मेकनिज़म क्या होता है कल इनफैक्ट हमने शुरू किया था कि एल डी हेड की केमिकल uh, प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी टाइप्स के बारे में बताया था इंट्रोडक्शन दी थी और पहली टाइप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी शुरू की थी वो थी एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म करवाया था तो एडिशन मैकेनिज़म में आपको करवाया था कि जब न्यूक्लोफाइल ऐड होते हैं तो दो स्टेप्स में ऐड होते हैं या कोई रेजेंट जो है कार्बोनिल ग्रुप में ऐड होता है तो दो स्टेप में होता है उसका जो न्यूक्लोफाइल पार्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेप वन में स्लो स्टेप में कार्बोनिल बॉन्ड में कार्बन के साथ अटैच होता है ठीक है और स्टेप टू में जब कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो ऐड होने वाले रेजेंट के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देता है यानी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक Uh, मतलब कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक कर देता है लाइक uh, like, uh, तो uh, हमारे पास जो है वो एडिशन प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है तो इसको हम अब एग्जाम्पल्स की हेल्प से पढ़ेंगे पहली एग्जाम्पल जो हम न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन की पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ वाटर टू द काबोनल ग्रुप कार्बोनल ग्रुप में न्यूक्लोफिलिक एडिशन वाटर की करनी है वाटर डेफिनेटली एच ओ एच है तो ओ एच नेगेटिव जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पहले ही स्लाइटली uh, नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिटी कार्बन से ज़्यादा है ये कल आपको डिटेल में बताया था ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा पॉजिटिव पे तो जो पॉजिटिव पे अटैक करने वाला होता है वो क्या होता है न्यूक्लियो होता है तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया ये स्टेप वन में होता है और ये स्लो स्टेप होता है रेट डिटर्बनिंग स्टेप होता है जिसकी वजह से हमने कहा था कि ये जो रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन होते हैं अब आ, मैंने ये भी कल बताया था कि ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला आ, ये एस पी टू है लेकिन अब ये जो कार्बन है जिसमें अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन गए हैं ये एस पी थ्री कार्बन है, है। बिकॉज ऑफ द रीज़न बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि कार्बन uh, के साथ ओ OH एच जो है वो अटैच हो गया और ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गया तो कार्बन ये वाला टेट्राहेड्रल हो गया यानी कि इसकी हाइड्रोजेशन sp3 हो गई अब ये नेगेटिव चार्ज है तो नेचुरली वाटर uh, जो है वो एच ओ एच था ओ एच OH नेगेटिव ने तो कार्बन पे अटैक कर दिया तो अब जो ओ नेगेटिव है वो एच प्लस के ऊपर अटैक कर देगा यानी कि ये जो ओ नेगेटिव है ये न्यूक्लोफाइल का काम कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज को लुकआउट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ओ के साथ अटैच हो जाएगा एज ए रिजल्ट इस कार्बन के साथ एक ओ OH एच तो पहले ही हमने लगा दिया था ये ओ OH एच जो ये अटैच हुआ था और एक ओ OH एच जो है वहाँ पे और बन गया इस तरह से अगर हम पहली एग्जाम्पल हम निक्लोफिली एडिशन रिएक्शन की लें तो हमारे पास डायोल्स बन जाते हैं यानी जिनको हाइड्रेट्स कहा जाता है यानी कि एक ही कार्बन के साथ जो हैं दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे होते हैं ये वाले हाइड्रेट्स जो हैं नॉर्मली अनस्टेबल होते हैं इनको आइसोलेट करना डिफ़िकल्ट होता है और इनकी एल्डिहाइड की जो टेडेंसी है हाइड्रेट बनाने की वो कंपैरेटिवली लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू के के क्योंकि एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है और किटोन में तो दो दो अल्काइल ग्रुप लगा होते हैं और तो कार्बन दो अल्काइल ग्रुप और दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप को कॉम्बेट नहीं कर पाता इसलिए किटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन इतनी इफेक्टिवली शो नहीं करते वैसे भी मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछे रीमाटैमन में और और भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस करवाए थे अभी जो मेरे दिमाग में आया मैंने फटाफट बोला रिमाटैमन वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जब एक कार्बन के साथ अगर कभी दो ओ एच ग्रुप लग जाएं तो ये अनस्टेबल हो जाता है तो ये भी अनस्टेबल है तो उसको यहाँ से मतलब कि आइसोलेट करना एज ए न्यू प्रोडक्ट इज अ डिफिकल्ट कॉट ये थी हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन की जिसमें हमने वाटर को कार्बोनिल ग्रुप में ऐड करा है दूसरी एग्जांपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एल डी हाइड भी हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करते हैं केटोन भी ऐड करते हैं और पहले सी एन नेगेटिव ऐड होता है स्टेप वन में स्टेप टू में एच प्लस ऐड होता है जैसे यहाँ पर पहले ओ एच नगेटिव ऐड हुआ था फिर एच प्लस ऐड हुआ था तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है इसमें सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली पहले न्यूक्लोफाइल ने ऐड होना होता है स्लो स्टेप में तो पहले साइनाइड ऐड हो जाएगा फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हमें जो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमें डायोल्स या हाइड्रेट्स मिले हैं यहाँ पर हमें साइनोहाइड्रेंस मिलेंगे क्या मिलेंगे साइनो मिल जाएंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये आ, इसको कैटलाइज करना पड़ता है एक आ, बेस की प्रेजेंस में मतलब ये हाइड्रोजन साइनाइड डायरेक्टली एल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक नहीं कर पाता मतलब आपको कोई आ, बाहर से कैटलिस चाहिए बेस की फॉर्म में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो आ, जो हाइड्रोजन साइनाइड है एक वन ऑफ द रिएक्टेंट है ये एकदम से इसका साइनाइड पार्ट जो है वो एल में नहीं ऐड हो सकता पहले इसे ओ से यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा तो वो ओ नेगेटिव एच प्लस को अब्सट्रैक्ट कर लेगा ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन के साथ एक नेगेटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का नॉन बॉन्डेड पेयर आ जाएगा यानी ये न्यूक्लियोफाइल बन गया साथ में वाटर बन गया अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है आ, स्टेप वन में आपको बताया कि स्टेप वन जो है वो स्लो स्टेप होता है और ये भी बताया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो साइनाड जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो डबल बाउंड वैसे भी ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर चुका हुआ है तो ये हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि आप अज्यूम कर लीजिए कि ये एल्डिहाइड है हाइडा या कैटोन है तो वैसे मैं एग्जांपल भी आपको आगे चल के दे दूंगा तो एक साइनाइड तो लग गया और ओ के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज अब ये हाइड्रोजन साइनाइड का एच जो है वो वाटर के अंदर जा चुका है तो ये एच प्लस जो है वाटर से ओ नेगेटिव एच प्लस के ऊपर अटैक करके उसे वाटर से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी यानी अपनी तरफ खींच लेगी और उसको वाटर में से निकाल के ले जाएगी तो एच अब यहाँ पे लग जाएगा तो कार्बन के साथ एक ओ OH एच ग्रुप लग गया एक साइनाइड ग्रुप लग गया यहाँ पे आपका आर हो सकता है एच हो सकता है आर और आर हो सकते हैं मतलब एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा अगर दोनों अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये केटोन हो जाएगा और इनको हम साइनोहाइड्रिन एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं अब मैं इसकी फर्दर एग्जांपल बताता हूँ अगर आप एल्डिहाइड के साथ करना चाहते हो रिएक्शन तो एल्डिहाइड के साथ कर सकते हो तो फिर आप यहाँ पे आर लगा दीजिए यहाँ पे एच लगा दीजिए नहीं लगाना आर आपकी मर्जी सी लगा दीजिए एच लगा दीजिए एल्डिहाइड बन गया एसिटल एल्डिहाइड उसमें आप साइनाइड फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ये एसिटल एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन बन जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा वेट कीजिए अब मैकेनिज्म एक बार तो आपको कल करा ही दिया है तो अब बार बार जो है मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैंने साइनोहाइड्रेन में भी आपको मैकेनिज्म दोबारा से करा दिया है तो ये आपके पास एस्टल एल है तो कॉमन सेंस है आपकी साइनोहाइड्रिन बनाना है एच सी यहाँ पे पी एच नाइन टू टेन लिखी है मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं तो साइनइट जो है कार्बन के साथ लग जाएगा एच जो है ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास इस एडिशन प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया है एसटल एल जो पहले कराया वो मैकेनिज़म के साथ करवाया अब उस मैकेनिज्म में ये दोनों बॉन्ड खाली छोड़ दिए थे मैंने कहा था आप अपनी मर्जी से इसको एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल ली है एसीटोन के साथ जो कि कीटोन है तो जो साइनाइड है वो कार्बन के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो ये भी आपके पास साइनोहाइड्रिन बन गया और इसको एसीटोन साइनोहाइड्रिन कहा जाता है दिस इज़ कॉल्ड एज एसीटोन साइनोहाइड्रिन या कीटोन साइनोहाइड्रिन भी कह सकते हैं ये है एसीटोन साइनो हाइड्रिन तो ये है आपका एसीटोन साइनोहाइड्रिन तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन आपके पास आ गया साइनोहाइड्रिन की एक खास बात है इनको हाइड्रोलाइज करें एसिड की प्रेजेंस में तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी काबुक्लिक एसिड मिल सकते हैं या यहाँ पे मैंने लैक्टिक एसिड बनाया हुआ है तो अगर वो कहें कि आप एसीटल एल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें तो आपने पहले एसिटल एल्डिहाइड का हाइड्रोजन uh, साइनाइड के साथ रिएक्शन करके एस्टेल एलडीहाइट साइनोहाइड्रेंट बना देना है ये बन गया फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये जो साइनाइड ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी टू कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन अमोनियम को लाइट बन के बाहर निकल जाएगा तो एज ए रिजल्ट ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट आ जाएगा लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड का नाम आपने सुना होगा लैक्टोबेसिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड कर्ड से भी रिलेटेड है ठीक है ओके तो इस तरह से हमने सेकेंड रिएक्शन में हमने पांच रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन से करने हैं तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने वाटर ऐड करके हाइड्रेट्स बनाए सेकंड रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करके साइनोहाइड्रेंस बनाए थर्ड रिएक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सोडियम बाइसल्फाइट इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कोई एसिड वगैरह की जरूरत नहीं है तो सोडियम बाइसल्फाइट क्या होता है एन ए प्लस एच एस ओ थ्री नेगेटिव तो नेचुरली uh, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है न्यूक्लोफाइल होता है तो स्टेप वन में स्लो स्टेप में एच एस ओ थ्री नेगेटिव जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और uh, तो ये हमारे पास एस ओ थ्री एच बन गया ठीक है क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव चार्ज एस के ऊपर था तो एस के साथ कार्बन के साथ अटैच हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया अब इसका जो एन ए प्लस है उसके ऊपर ओ नेगेटिव अटैक कर देगा हमारे पास ये एडिशन प्रोडक्ट आ गया लेकिन सम हाउ इट वॉज़ फाउंड कि ये जो था बहुत ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं था इसमें ना प्रोटोन की ट्रांसफ़र हो जाती है यानी कि एच प्लस जो है वो एन ए प्लस के बदले में एच प्लस और एन ए प्लस अपनी अदला बदली कर लेते हैं एच प्लस ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे चला जाता है और एन ए प्लस जो है एस ओ थ्री के साथ आ जाता है तो ये हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट है ये दोनों बॉन्ड मैंने खाली छोड़े हैं आपके लिए आप यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे एच लिख दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा आप यहाँ पे सी एच थ्री सी एच थ्री लिख दो तो ये कीटोन बन जाएगा इस तरह से आप एल डी हाइड को भी आप सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हो और कीटोन को भी सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हो आई एम श्योर के आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ओके okay, आगे चलते हैं तो आगे तो मुझे यही बताना है कि सोडियम बाईसल्फ़ाइट को हमने ऐड कर दिया तो पहले एस ओ थ्री एच को आपने कार्बन के साथ जोड़ना है फिर ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे मैकेनिज्म बना बताया आपको वो ओ नेगेटिव एन ए प्लस के ऊपर अटैक करेगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र उन्होंने करके ही जो है ये प्रोडक्ट दिखाया हुआ है ठीक है तो ये एस्टल एल सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है और ये चूँकि एसीटोन था तो इसलिए इसका नाम हो गया एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट चूँकि ये ऊपर वाला नहीं ऊपर वाला मतलब भगवान नहीं ऊपर वाला कंपाउंड एस्टल एलडी है ठीक है तो इसका नाम क्या होगा एस्टल सोडियम बाई सेल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट ये हो गया एस्टल अल्डीहाइट सोडियम बाइसल्फ़ाइट एडिशन प्रोडक्ट तो आई एम श्योर कि आपको ये तीन रिएक्शन क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरह से ठीक है तो अब जो चौथा रिएक्शन में आपको करवाने जा रहा हूँ दैट इज़ एडिशन ऑफ ग्रिगनाड रेजेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग एडिशन ऑफ ग्रिगनाड रेजेंट तो हम एल्कोहल में पढ़ाए हैं लेकिन मैं फिर भी एक एक आपको ज़रूर करवाना चाहूँगा हम अल्कोहल फिनोल में इसके ऊपर हमने पूरे पंद्रह uh, बीस मिनट का आपको लेक्चर दिया है फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है रेफर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल फ्राम चैप्टर एल्कोहल्स तो ये आपके पास कोई कार्बोनल ग्रुप है इसमें आपने ग्रिगनाड्रेजेंट को ऐड करना है तो जब आप कार्बोनल ग्रुप में ग्रिगनाड्रेजेंट को ऐड करेंगे तो आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मैग्नीशियम के ऊपर नेचुरली पॉजिटिव होगा तो ओ के साथ एम जी एक्स लग जाएगा ओ के साथ एम जी एक्स लग गया और इस कार्बन के साथ ये मतलब ये दिखाया हुआ ना मतलब ये आर अपने बॉन्ड के साथ कार्बन पे अटैक कर रहा है क्यों अटैक कर रहा है क्यों इसका दिल कर रहा था नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है ग्रिगनार्ड रीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन वैसे तो पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ग्रिगनाड रिएजेंट की प्रेजेंस में और शायद यहाँ पे नहीं लिखा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है जब बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव उस पॉजिटिव चार्ज पे आर नेगेटिव अटैक कर देगा आर लग गया अब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया था ऑक्सीजन पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया ये एम पे यानी गिरगनाड रिज़ेंट के मैग्नीशियम हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा ये आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट है इसकी हमेशा हमने फिनोल जब पढ़ा हाइडोलोसिस की और हमेशा आपको बताया कि एम जी एक्स हैज़ ग्रेट अफिनिटी फॉर ओ एच तो हमारे पास एम जी ओ एच एक्स आ जाएगा और ये जो एच है उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक कर देगी तो ये आर है तो लेट अस अज्यूम के ये आर है ये एच है ये आर है ये एच है ये आर है ये एच है, 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 है तो आप बताइए कि एक कार्बन के साथ जिसके साथ ओ एच लगा और इसके दोनों तरफ आर लग गए तो ये कौन सा एल्कोहल बन गया सेकेंडरी एल्कोहल बन गया अगर मैं दोनों एच लगा देता ये भी एच ये भी एच तो फिर ये कौन सा एल्कोहल बनता प्राइमरी एल्कोहल बन जाता ठीक है डिड यू अंडरस्टैंड ओके और अगर मैं एक आर और एक एच लगाऊँगा तो सेकेंडरी बनेगा और अगर मैं दोनों आर लगा देता हूँ तो क्या बनेगा टर्शरी क्योंकि फिर एक आर एक आर एक आर यहाँ पे ओ एच जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ तीन आर लगे होंगे तो कौन सा कोल बनेगा टर्च रियल बनेगा अच्छा लेट मी एक्सप्लेन अगेन अगर एक आर और एक एच लेते हैं एक आर और एच लेते हैं तो जिस कार्बन के साथ ओ एच लगा है तो उस कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप हैं तो ये कौन सा कोल हो गया सेकेंडरी रियल अगर मैं दोनों एच ले लूँ यहाँ पे ये भी एच ये भी एच ये भी एच ये भी एच तो जिस कार्बन के साथ ओ एच लगा उसके साथ एक ही आर है तो कौन सा अल्कोहल बनेगा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा अगर मैं यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर ले लेता हूँ तो फिर यहाँ भी आर यहाँ भी आर यहाँ पे भी आर यहाँ पे भी और यहाँ पे तो ऑलरेडी है तो जिस कार्बन के साथ ओ एच लगा उसके साथ ऑलरेडी तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो कौन सा अल्कोहल बन जाएगा टर्शरी शायद आपको याद आ गया हो कि हमने ये कहाँ पे पढ़ा था हमने अल्कोहल फिनोल के चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और फिनोल में ये पढ़ा था कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम एल डी हाइड एंड किटोन्स इवन हमने और भी कोई कार्बोनल ग्रुप यूज़ किए थे उसमें लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेटली चैप्टर एल डी के टोन पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे एल डी हेड यूज़ करेंगे यहाँ पे हम एसिड या एस्टर नहीं यूज़ करेंगे अल्कोहल बनाने के लिए वो हम अल्कोहल के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली एल और केटोन को यूज़ करना है पाँचवा रिएक्शन जो मेरे पास है आखिरी न्यूक्लोफिलक एडिशन का मैंने बताया था कि रिएक्शन की छः टाइप्स होंगी तो हर टाइप को एक एक लेक्चर लगेगा किसी एक पर्टिकुलर टाइप को दो दिन लग सकते हैं एंड दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इन एल डी एंड के तो ये फर्स्ट कैटेगरी के जो रिएक्शन थे उनके मैकेनिज़्म भी थे जो मैंने कल आपको करवाए तो आज मैं आपको उनकी एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ अब कल जो होंगे वो मतलब एक ही लेक्चर में कल की जो कैटेगरी हो जाएगी उसकी अगली भी दो तीन कैटेगरी एक एक दिन में ही हो जाएगी फिर उसके बाद हो सकता है कि एक ऐसी कैटेगरी आए जिसमें हमेशा दो लेक्चर लग जाएं मतलब आप पकड़ के चलिए सात आठ दिन एंड दिस इज़ डन चलो एनी अब हमने एल्कोहल की एडिशन करनी है एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन बनाने के लिए मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूँ फिर आपको ये समझ लग जाएगा चलिए पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एल्डिहाइड में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐड होता है एडिशन मैकेनिज्म से और इसमें हमारे पास हेमीएसिटल और एसिटल नाम के प्रोडक्ट्स बनते हैं और किटोन में मोनोहाइड्रिकल कोल नहीं डाईहाइड्रिकल कोल बनता है ऐड होता है मोनोहाइड्रिकल कोल होता है जिसमें एक ओ एच होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है एल्कोहल के चैप्टर में बताया था जिसमें दो ओ एच होते हैं आपको नॉर्मन क्लेचर में बता दिया था मोनोहाइड्रिक एलकोल होते हैं डाईहाइड्रिक होते हैं ट्राईहाइड्रिक होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोल्स होते हैं बेंजीन में भी बताया था कि इसके फिनोल फिनोल के साथ कैटिकोल होता है रिसोर्सिनोल होता है पायरोग्लोल होता है फ्लोरोग्लोसिन होता है ये बेंजीन वाले भी डायोल और ट्राइल आपको करवाए थे तो चलिए मोनोहाइड्रिकलकोल्स वो होते हैं जिनमें एक ओ oh होता है तो ये एस्टल है तो इसमें इथाइल कोल को ऐड करने का तो इथाइल कोल का जो ऑक्सीजन पार्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पार्ट जो है न्यूक्लियोफाइल हो गया है ना हमने जो कि न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करनी है तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन के ऊपर अटैक करता है और जो दूसरा हिस्सा होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक कर देता है तो ओ के साथ क्या चला जाएगा एच और ये ओ सी टू एच फाइव इस कार्बन के साथ चला गया तो ये ओ सी टू एच फाइव मैंने ऊपर दिखा दिया और ये एच मैंने इस ओ के साथ नीचे की तरफ दिखा दिया दिस इज हेमी एसिटल एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की प्रेजेंस में होता है सो फार एज दिस मोनोहाइड्रिकल कोलिस कंसर्न दिस इज़ हेमी एसिटल फिर आप चाहें तो आप इसमें एक और अल्कोहल ऐड कर सकते हैं तो उस केस में आ, ये ओ OH एच और एच वाटर बन के एलिमिनेट हो जाते हैं तो ये सी टू एच फाइव इस ओ के साथ लग जाता है तो जब आ, कार्बन के साथ दो एल्कोक्सी ग्रुप लगे होते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज एसिटल अगर एक एल्कॉक्सी ग्रुप लगा होता है और एक ओ ग्रुप लगा होता है हाफ कहते हैं इसे ये हाफ एसिटल है इसे हेमी एसिटल कहा जाता है अगर आप चाहें तो एल में आप एल को डाईहाइड्रिकल कोल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं पैराटोलविन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में पी टी एस पैराटॉलविन सल्फोनिक एसिड में एक तरफ एस थ्री एच ग्रुप होता है और दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे पैरा पोजिशन पे सी एच थ्री ग्रुप होता है जैसे पैराटोलविन सल्फोनिक एसिड अगर डाईहाइड्री अल्कोहल को एल्डिहाइड के साथ रिफ्लक्स करें पैरा पैराटोलविन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में तो एच एच ओ वाटर विल बी एलिमिनेटेड वाटर बाहर निकल जाएगा ये ओ के साथ एक बॉन्ड लग जाएगा ये वाला एक बॉन्ड ओ के साथ लग जाएगा तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया चूँकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एसीटल एल्डिहाइड से आया है या एल्डिहाइड से आया है सो दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज साइक्लिक एसीटल जो कैटोन्स होते हैं वो मोनोहाइड्रिकल एल्कोहल इस तरह के जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते तो फिर जो कीटोन होते हैं फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ही रिएक्ट करते हैं तो किटोन जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में इसे रिफ्लक्स करेंगे वाटर विल बी एलिमिनेटेड प्लस वाटर वाटर विल बी एलिमिनेटेड ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा ये भी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा अब चूँकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है किटोन से बना है दिस इज कॉल्ड एस साइक्लिक कीटल ये थे आपके पांच रिएक्शंस जिसमें हमने एल्डीहाइड और किटोन में एडिशन रिएक्शन करी सिर्फ पाँचवें का ही एक लास्ट पार्ट था किटोन जो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता था और डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कर लेता था और ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट तो है ही है क्योंकि इसमें uh, कुछ प्रोडक्ट्स अलग से बन रहे हैं हेमी एसिटल एसीटल साइक्लिक एसीटल साइक्लिक कीटल तो कीटल uh, का जो है कीटल या कीटल नहीं बनता इनके सिर्फ साइक्लिक कीटल ही बनते हैं अगर आपके टोन को डाईहाइड्रिकल कोल के साथ रिफ्लक्स करते हो पैराटोलविन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में तो इसके साथ ही आ, हमारे आज के जो एडिशन रिएक्शंस हैं आ, जो हमने एल्डिहाइड के टोन में पढ़ने थे वो फिनिश हुए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाइसली अगर आपको कहीं लगे कि कोई लैप्स रह गया है आपको कहीं से नहीं समझ लगा मतलब मैंने कुछ आ, ऐसा लैंग्वेज यूज़ करा है कि आपको पल्ले नहीं पड़ा तो आप मुझे फ़ोन करिएगा आप मुझे फ़ोन कीजिए आई डेफिनेटली बी हेल्प टू यू इमीजिएटली आई बी एबल टू हेल्प यू हाँ ये हो सकता है कि मतलब उस वक्त मेरी कोई क्लास चल रही हो तो आई नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू इमीजिएटली आई कॉल बैक इन द केस आई सॉ एनी ऑफ योर कॉल and we'll ask you what is the problem so that is what how we can help you in such situations i hope you will take maximum benefit out of me thank you very much we call it a day love you all have a great day